फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला, पुलिस की चार रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आयशा रजब के घर पहुंच गई है। मजीद तफसीलात भी आपको बता रहे हैं, उनका बयान भी लेंगे और इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। जो दूसरे फरीक है जनाब तलाल चौधरी साहब, उनका भी इंशाल्लाह ताला स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और पूरे मामले की तह तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है उसको अमल में लाया जाएगा। जी नहीं, फिलहाल हमारे पास कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन मौसूल नहीं हुई है और मजीद आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कमेटी को अपना काम करने दिया जाए और इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको जो है तमाम मामला से आगा कर दिया जाएगा। डकैती की कॉल की गई है, किसके हवाले से आप क्या कहते हैं? बोगस कॉल करने पे जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है पुलिस की जानिब से, तो अब जो है वो क्या इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े का मुकदमा कॉल होती तो और बात थी। देखिए जी, जो कमेटी बनाई गई है, इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया है इस पूरे मामले को प्रूव करने के लिए, अगर मैं उसकी इंक्वायरी कंप्लीट होने से पहले आपको इस चीज़ पे कमेंट कर दूं तो फिर मेरा ख्याल है कोई इंक्वायरी कमीशन ने अपनी इंक्वायरी तो नहीं की, तो लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि टाइम दिया जाए इसमें हमें और हम अपनी इंक्वायरी जब पूरी कर लेंगे, तमाम फरीकैन के बयानात ले लेंगे तो तमाम हालात से वाकया से आपको आगाह। आयशा रजब यहाँ पर हैं घर में। सर एक सवाल है, मौका पे 208 चक्की चौकी इंचार्ज हैं बिलाल, मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने जो अपना जो रिपोर्ट पेश की उसके मुताबिक डकैती यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन डकैती की कॉल की गई तलाल चौधरी की जानब से 3:10 पर, 3:15 पर आयशा रजब की जानब से कॉल की गई है, तो दोनों कॉल में आप एक कानून इसमें क्या कहता है? अगर कोई बोगस कॉल करता है तब क्या कानूनी कार्रवाई की जाए? देखिए जी, कॉल बोगस है नहीं है, इसी मामले की तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं आपसे। जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि अगर मैं पहले ही आपको अपने कमेंट्स दे दूंगा इंक्वायरी करने से पहले, तो फिर कोई इंक्वायरी तो मेरा ख्याल है ना हुई, तो लिहाजा यही आपसे गुजारिश करूंगा दोबारा कि टाइम दिया जाए, इसमें पूरे मामला को, हालात को, वाकयात को देखेंगे, तमाम फरीकैन के बयानात लिए जाएंगे, जो चीज़ होगी इंशाल्लाह ताला आपके सामने आएगी। बिल्कुल, पुलिस की जानिब से सोर्स रिपोर्ट बनाई गई कि दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह करवा दी गई, ये सुलह कोई उन्होंने तो रिटर्न लिख के नहीं दिया, तो पुलिस ने किस तरह से सुलह का अनाउंस कर दिया? देखिए जी, सुलह किसी भी फरीकैन के दरमियान कराना पुलिस का काम नहीं होता, वो फरीकैन की अपनी मर्जी से होता है। इसमें सुलह हुई है नहीं हुई है, जो भी हालात हैं इंशाल्लाह ताला इसको हम प्रूव करने के बाद आपको बता देंगे। साहब का बयान कब रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां कब जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह ताला उनका बयान भी जल्द रिकॉर्ड किया जाएगा। रब्ता हुआ दोनों पार्टी से? जहाँ पे हम आ गए हैं इनसे तो रब्ता नहीं हो पाया, इंशाल्लाह वहाँ भी हम जाएंगे तलाल चौधरी साहब के पास और उनसे भी हम बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं आपको जल्दी आगाह करेंगे। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर मुबैना हमले के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है और एएसपी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।